अगर आपके पास कोई स्पेस या रूम खाली पड़ा है तो उसको आप एयरबीएनबी पर लिस्ट करके उससे कमाई कर सकते हैं। एयरबीएनबी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आप अपनी प्रॉपर्टी लिस्ट कर सकते हैं, कोई भी उसको ऑनलाइन बुक करके स्टे कर सकता है और इससे आपको पैसे मिलते हैं। एयरबीएनबी 200 से भी ज्यादा कंट्रीज में काम करता है और 2016 से ये इंडिया में भी आ चुका है। सो इस वीडियो में मैं आपको एयरबीएनबी पर प्रॉपर्टी लिस्ट करने का कम्प्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी प्रॉपर्टी एयरबीएनबी पर लिस्ट करने के लिए आपको ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें आपको एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है। इसके लिए आप एक मोबाइल नंबर डालकर कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी होगी, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, एक ईमेल आईडी और जो भी आप पासवर्ड रखना चाहते हैं वो यहां डालेंगे। इसके बाद एग्री एंड कंटिन्यू। एयरबीएनबी पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। एग्री एंड कंटिन्यू। अकाउंट आपका क्रिएट हो जाएगा। यहां से आप Airbnb पर जितनी भी प्रॉपर्टीज लिस्टेड है किसी भी लोकेशन पर आप उनको बुक कर सकते हैं। जस्ट आपको लोकेशन का नेम डालकर सर्च करना है तो आपके सामने उस लोकेशन की सभी लिस्टेड प्रॉपर्टीज आ जाएगी। यहां से आप बुक कर सकते हैं। इसी तरह से आप अपनी प्रॉपर्टी को भी यहां पर लिस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। प्रोफाइल में आपको एक ऑप्शन मिलेगा लिस्ट यूर स्पेस, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहां से आप अपनी प्रॉपर्टी को लिस्ट कर सकते हैं। लेट्स गो। पहले आप चूज करेंगे आपकी प्रॉपर्टी किस टाइप की है, जैसे कि यहाँ पर मैं फ्लैट चूज कर लेता हूँ। आपकी प्रॉपर्टी रेंटल यूनिट है, अपार्टमेंट है, सर्विस अपार्टमेंट है, वो आप यहाँ पर चूज कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट, जो भी आपकी प्रॉपर्टी को बुक करेगा उसको कितना स्पेस मिलेगा वो आप यहाँ चूज कर लेंगे, जैसे कि इंटायर प्लेस, कोई प्राइवेट रूम या कोई शेयर्ड रूम, वो आप यहाँ पर चूज करेंगे। इसके बाद आपको लोकेशन डालनी है, आपकी प्रॉपर्टी किस लोकेशन पर है। अपनी प्रॉपर्टी का एड्रेस फिल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट, आपके सामने एक पॉइंटर आ जाएगा जो भी आपकी प्रॉपर्टी की लोकेशन है। इस तरह से आप इसको जूम करेंगे और इस पॉइंटर को उस पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट, आपकी प्रॉपर्टी पर कितने गेस्ट अलाउड है, कितने बेड्स हैं, कितने बेडरूम्स हैं, कितने बाथरूम्स हैं, वो सब आप यहां पर सेट कर देंगे। इनमें से कोई सा बाथरूम प्राइवेट है, अगर हाँ तो इसको आप यस करेंगे, अगर शेयर्ड है तो आप सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट, आपकी प्रॉपर्टी पर इनमें से कौन कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल है वो आप यहां पर चूज कर लेंगे, जैसे कि टीवी, वाईफाई, किचन, ये आप यहां पर चूज कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद आपको अपनी प्रॉपर्टी के फोटोज अपलोड करने होंगे, या तो आप डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। इसके लिए आप टेक न्यू फोटोज पर क्लिक करेंगे और इस तरह से आप डायरेक्ट फोटो क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपने पहले से क्लिक करके रखे हुए हैं तो आप अपलोड फोटोज पर क्लिक करेंगे, जैसे कि यहाँ पर इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड सभी फोटोज को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद अपलोड, सभी फोटोज यहाँ अपलोड हो जाएंगे। फोटोज अपलोड हो जाएंगे, किस फोटो को आप कवर फोटो बनाना चाहते हैं आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। जिस फोटो को भी आप कवर फोटो बनाना चाहते हैं उसमें आप कवर फोटो पर क्लिक करेंगे। किसी भी फोटो को आप ऊपर या नीचे कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। सभी फोटोज ऐड करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको अपनी प्रॉपर्टी का एक टाइटल डालना होगा कि एयरबीएनबी पर आपकी प्रॉपर्टी किस टाइटल के साथ शो होनी चाहिए। तो जो भी आपको टाइटल डालना है वो आप यहां टाइप करेंगे। इस तरह से आप कोई भी टाइटल डालेंगे और डन करेंगे। टाइटल आप जो चाहे रख सकते हैं, अगर आपकी प्रॉपर्टी का कोई नेम है तो वो भी आप यहाँ डाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, अपनी प्रॉपर्टी के टू हाइलाइट्स आपको यहाँ चूज करने होंगे, जैसे कि पीसफुल, फैमिली फ्रेंडली। इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद आपको अपनी प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन डाल देना है। आप अपनी प्रॉपर्टी के बारे में कुछ भी डिटेल्स यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद डन। अपनी प्रॉपर्टी के लिए आप पर नाइट कितना चार्ज करना चाहते हैं वो आप यहाँ डाल देंगे, जैसे कि मैं डाल देता हूँ 1000 रुपीज। अगर आप पहले 3 गेस्ट को 20% का डिस्काउंट देना चाहते हैं तो इसको आप टिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट, आपकी प्लेस पर अगर सिक्योरिटी कैमरा है तो इसको आप टिक करेंगे। वेपन या कोई डेंजरस एनिमल है तो इनको भी आप टिक करेंगे। इसके बाद रिव्यू योर लिस्टिंग पर क्लिक करेंगे। आपके सामने आपकी लिस्टिंग की कंप्लीट डिटेल्स आ जाएगी, एक बार आप सही तरीके से चेक करेंगे। इसके बाद पब्लिश योर लिस्टिंग पर क्लिक करेंगे, आपकी लिस्टिंग सक्सेसफुली पब्लिश हो जाएगी। जैसे ही आपकी प्रॉपर्टी एयरबीएनबी पर लाइव हो जाएगी तो आपको बुकिंग मिलना स्टार्ट हो जाएगी। बुकिंग्स देखने के लिए आप प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको होस्टिंग का एक ऑप्शन मिलेगा, इसमें आप
स्विच टू होस्टिंग पर क्लिक करेंगे आपके सामने होस्टिंग डैशबोर्ड आ जाएगा जहां से आप अपनी बुकिंग देख सकते हैं। जो भी आपको बुकिंग मिलेगी वो आपको पेंडिंग में शो होगी, उस पर क्लिक करके आप उसको यहां से कंफर्म कर सकते हैं। इसके बाद गेस्ट आपके एड्रेस पर आएगा और वो वहां पर स्टे करेगा और उसके बाद चेकआउट करेगा। चेकआउट के बाद आपका जो पैसा है वो सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर कोई गेस्ट आपको कोई मैसेज भेजता है तो वो आप इनबॉक्स में देख सकते हैं। कैलेंडर पर क्लिक करके देख सकते हैं कि किस किस डेट को आपकी बुकिंग्स है। मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको सेटिंग्स मिल जाएगी। इसमें आप सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे, इसमें आपको पेमेंट्स एंड पेआउट्स का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। नीचे आपको पेआउट मेथड्स मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहां से आप अपनी बैंक डिटेल्स ऐड करेंगे, जिस अकाउंट में भी आपको बुकिंग का पेमेंट लेना है वो आप यहां पर ऐड कर देंगे। बैंक में पेमेंट लेने के लिए आपको कोई भी फीस नहीं देनी होगी। नेक्स्ट करेंगे, इसमें आप अपना एड्रेस फिल करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको अपनी बैंक डिटेल्स फिल करके सबमिट कर देना है तो आपकी बैंक डिटेल्स ऐड हो जाएगी। इसके बाद जब भी आपको कोई बुकिंग मिलेगी तो उसका पेमेंट आपको इसी बैंक अकाउंट में मिलेगा। तो इस तरह से अगर आपके घर में कोई रूम या स्पेस खाली पड़ी है तो उसको आप एयरबीएनबी पर लिस्ट कर सकते हैं और उससे आप पैसे कमा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।